की बातें सुनते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, कोई फिजिकली स्ट्रांग है उसको ज्यादा रिस्पेक्ट, जो फिजिकली वीक है वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसका डिसरिस्पेक्ट। घर में जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, नाउ दे कांट डू एनी वर्क, दे आर सिंपली सिटिंग, एंड मेनी टाइम्स देन यंगर जनरेशन स्टार्ट सेइंग कि ये लोग कुछ काम नहीं करते, पूरा दिन सिर्फ बातें ही चालू रहती है। तो बहुत बार अगर मतलब मालूम रहता है कि उनको 5 बजे चाय चाहिए, लेकिन बहुत बार ये होता है नहीं, लेकिन वो तो पूरे दिन बैठे रहते हैं सभी के साथ में, फिर 6 बजे चाय पी। Somewhere disrespect on the basis of the physical strength may be happening, लेकिन हम इस बात को देख पाए कि जब वो फिजिकल काम कर सकते हैं तो उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी है और आज हम जो कुछ भी है उनके प्रयासों के कारण है, तो फिर ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है इसको हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग यही बन रही है कि ह्यूमन बीइंग इज अ बॉडी, बट एज रियलिटी इज ह्यूमन बीइंग इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, एक मानव मय और शरीर का सह अस्तित्व है। हमने कहा ना कहा कभी मानव को सिर्फ शरीर समझा हुआ है, उसी तरह से जो डिफरेंशिएशन हो सकता है इट में बी ऑन द बेसिस ऑफ द वेल्थ एंड द पोस्ट। रिलेटिव्स में जो अमीर है उनके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट, जो रिलेटिव्स के पास पैसा नहीं है हो सकता है अगर वो आए भी, बहुत बार उन्होंने कुछ नमस्कार वगैरह किया तो हम ध्यान भी नहीं देते होंगे। सो डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द वेल्थ हो सकता है। सोसाइटी में हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर फ्लैट्स है तो ऑन द बेसिस ऑफ द वेल्थ दिस में हैपन, ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्ट, कॉलेज में अगर हायर लेवल के जो पोस्ट पे जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलेंगे, लेकिन जो लोअर पद पे काम कर रहे हैं कभी कभी उन्होंने गुड मॉर्निंग किया तो हो सकता है उनको देखने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा। आर वी ट्रीटिंग एट अ सोसाइटी, सपोज सोसाइटी के सेक्रेटरी और सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड, क्या दोनों के लिए हमारे पास सम्मान है? कॉलेज में प्रिंसिपल डायरेक्टर उनके लिए भी हमें सम्मान की भाव है, उसी तरह से प्यून है क्लीनिंग करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए भी क्या सम्मान का भाव है? अभी मैं स्टाफ रूम में बैठा हूँ और वो क्लीनिंग करने के लिए कोई आदमी आया, उसने बोला कि सर मुझे क्लीन करना है, तो किस तरह से मैं पेश आता हूँ? ठीक है भैया कर लो, या नहीं बाद में आओ, भी मुझे कुछ है आइडेंटिटी। सो आई कैन चेक विद इन माई सेल्फ, क्या मैं इस बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, क्योंकि कहाँ ना कहाँ तो एक ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है, सुविधा ही सुख है, लेकिन रियलिटी क्या है? हैप्पीनेस इज बीइंग इन स्टेट ऑफ हार्मनी, व्यवस्था में जीना ही सुख है। उसी तरह से और एक डिफरेंशिएशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द बिलीफ्स, इजम्स, कैपिटलिज्म एंड लाइक दैट, ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स डिफरेंशिएशन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन हो सकता है। घर में अगर दो बेटे हैं, एक ने हायर एजुकेशन लिया है, सपोज वन सन हैज डन पीएचडी, दूसरा सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, तो क्या दोनों के लिए एक मतलब एक जैसा बर्ताव हो रहा है? कहाँ ना कहाँ तो भी जिसने पीएचडी की है जिसकी सैलरी ज्यादा है उसको ज्यादा रिस्पेक्ट, दूसरे को नहीं मिल रहा है। Are we differentiating? क्योंकि यहाँ पे cross misunderstanding ये है कि precondition of the other matches my preconditioning, other is like me. So these are the some ways we are differentiating, and none of them is acceptable. और अब अगर हम history में देखेंगे तो इसके लिए बहुत सारे opposition movements हुए। There have been movements for gender equality, रेस इक्वालिटी, ओके, अपोजिशन मूवमेंट्स हुए हैं, क्योंकि ये सहज स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रीकंडीशनिंग यही है, सो दिस डिफरेंशिएशन, दिस इज वन ऑफ द प्रीकंडीशनिंग्स। तो ये मिनिमम कंटेंट ऑफ द रिस्पेक्ट है कि
हर मानव का लक्ष्य कार्यक्रम और क्षमता सेम है और पर्पस प्रोग्राम एंड पोटेंशियली सेम. दिस इज द मिनिमम कंटेंट ऑफ द रिस्पेक्ट. इस बेसिस पे तो हम सभी सेम है, तो डिफरेंस है तो कहां पे है? योग्यता. ऑन द बेसिस ऑफ द राइट इवैल्यूएशन ऑफ द म्यूचुअल कॉम्पिटेंस मैं इस बात को देख पाता हूं कि दूसरे व्यक्ति में और मुझ में सिर्फ योग्यता की कमी है और उसके लिए तो कोई प्रोग्राम तो हम बना ही सकते हैं. अभी जब मैं मेरी और दूसरे की योग्यता का आकलन करता हूं तो एक तो हो सकता है कि मेरी योग्यता ज्यादा हो सकती है या दूसरे की योग्यता ज्यादा हो सकती है. तो इफ अदर इज मोर अंडरस्टैंडिंग इज मोर रिस्पॉन्सिबल, अगर दूसरे की योग्यता मुझसे ज्यादा है, दूसरा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रह पा रहा है, वो मुझसे ज्यादा स्थिर और कंफर्टेबल रह पाता है, आई एम कमिटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अदर. दूसरे की योग्यता मुझसे ज्यादा है तो उससे फिर मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए उससे हेल्प लेने के लिए तैयार हूं. आई एम कमिटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अदर. लेकिन अगर मेरी योग्यता ज्यादा है, इफ आई हैव मोर अंडरस्टैंडिंग आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल, फिर मैं जिम्मेदारी के साथ में पेश आता हूं. I live with the responsibility with the other unconditionally, unperturbed by the behavior of the other. फिर मैं भी दूसरे के साथ जिम्मेदारी के साथ में पेश आता हूं, कोई भी कंडीशन नहीं रहेगी. दूसरे का जो बर्ताव है उससे फिर मैं भी डिस्टर्ब नहीं होता हूं, अफेक्ट नहीं होता हूं. I am committed to facilitate understanding in the other. दूसरे की योग्यता बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं. Work the other is assured in the relationship, not before that. दूसरे की योग्यता बढ़ानी है, लेकिन वो कब उसके लिए प्रयास भी करना है, कब? When he is assured in the relationship. जब वो मेरे साथ में relationship में assured हो जाएगा, तभी मैं इन बातों को उसके साथ में share कर सकता हूँ. उसके पहले अगर मैं share करने का प्रयास करूँगा, तो कोई फायदा नहीं है. Because he is not assured in the relationship, he will accept, he will try to verify only when he is assured in the relationship. And this assured in the relationship will come if I am mera khud ka jo behavior hai, that is with the responsibility, with this feeling of the trust and the respect. Dusra mistakes kar raha hai, karne do. Why I should get disturbed? Every time he makes a mistake, I will tell him with a very feeling of relationship, आपने mistake किया है, ये ठीक बात नहीं है. तो देखिए अब इसको किस तरह से improve कर सकते हैं. If I am shouting, if I am getting angry, the other one only goes, that feeling of opposition is there. बच्चों के साथ यही होता है ना, we are shouting at the children. And that student has now this feeling of opposition. और फिर बहुत सारे colleges में हम इस news को भी सुनते हैं कि उन्होंने किसी professor के bike का tire puncture कर दिया. होता है नहीं होता है? That feeling of opposition is there. अभी वो बच्चा college में उसने admission किसलिए लिया है? Graduation complete करके वो job करना चाहता है या college में आके professors के tires को puncture करना चाहता है? उसको उस पोजीशन तक कौन लेके जा रहा है? So now here, if I am able to see that I am more responsible than the other, I live with the responsibility with the other, unconditionally, unperturbed by the behavior of the other. मैं disturb होता हूँ, I get angry. I get irritated, I start shouting. When do we shout at the other? You are comfortable or uncomfortable? You are shouting at other. Kab shout karte aapko? Uncomfortable. So somebody is shouting at me. It may be my boss or it may be my husband or wife. If they are shouting at me, means right now they are not comfortable. They themselves are victim right now.
को कंफर्टेबल नहीं इसलिए शाउट कर रहे, तो कहां कहां पे भी उन्हें योग्यता की कमी दिख रही है। लेकिन मैं तो भी अभी मेरे पास तो एक प्रपोजल पहुंचा है, आई हैव मोर अंडरस्टैंडिंग, आई विल जस्ट टेक काम and when they pulled out, I can have this discussion with them कि आपने ऐसी कुछ बात रख रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात है। I'm not opposing you, मैं आपका विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात है, ठीक है, तो let us sit and discuss। अभी क्या होता है, सामने वाला shout कर रहा है, मैं उससे ज़्यादा, मैं दो arguments रखता हूँ, मैं उससे कभी-कभी उससे भी ज़्यादा आवाज़ करता हूँ। और फिर ऐसी बहुत सारे, उन्होंने दो बातें की, मैंने दो बातें रखी, फिर उन्होंने और एक बात रखी, मैंने भी एक बात रखी, लेकिन ये जो आर्गुमेंट है ये तो दोनों को भी नेचुरल एक्सेप्टेबल नहीं, इसको बहुत लॉन्ग तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, कुछ देर के बाद फिर वो हो जाता है, दोनों भी बोलते नहीं, अभी बहुत हो गया, अभी दोनों भी फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन दो चार दस दिन के बाद फिर बार एक आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, उस आर्गुमेंट के लिए पहले का बेस है, तो उससे भी ज्यादा इंटेंस होगा, थर्ड उससे भी ज्यादा, और फिर ये डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। बट इफ आई एम एबल टू सी, आई हैव मोर अंडरस्टैंडिंग, आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल देन अदर, देन आई लिव विद रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर अनकंडीशनली अनपर्टर्ब्ड बाय द बिहेवियर ऑफ अदर। कुछ डिसिप्लिन एक्शन भी लेना है तो सिर्फ that also I will take with the feeling of affection, और तब मैं ये चेक कर सकता हूँ कि मुझ में whether I am comfortable or uncomfortable with him। So I have more understanding, I am more responsible than the other, I live with that responsibility, उस जिम्मेदारी के साथ में मैं रहता हूँ, unconditionally, unperturbed by the behavior of the other, I'm committed दूसरे की योग्यता को बढ़ाने के लिए, मैं उसको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वंस द अदर इज अश्योर्ड इन द रिलेशनशिप, नॉट बिफोर दैट। इस योग उसमें जो योग्यता की कमी है, जैसे अभी ट्रस्ट का भी सेशन हुआ और एक भैया ने, फिर दूसरे की योग्यता हम कैसे बढ़ाएंगे, तो हर समय उसके लिए मेरा कुछ प्रोग्राम रहेगा, एंड दैट प्रोग्राम विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। लेकिन कम से कम मैं ये देख पा रहा हूँ कि दूसरा तो मुझे सुखी ही करना चाहता है, तो मैं कंफर्टेबल हूँ, रिस्पेक्ट मैं उसका राइट इवैल्यूएशन कर पा रहा हूँ कि उसमें तो योग्यता की कमी है, लेकिन वो मेरे जैसा ही है, वो भी एक मानव है, मैं और शरीर का सह अस्तित्व, तो मैं में तो उसके लिए सम्मान का भाव ही रहे, फिर मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं ऑन डिफरेंट बेसिस। एनी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस? क्योंकि नो क्वेश्चंस में उससे दो बातें हो सकती हैं, एक तो सब कुछ समझ में आ रहा है, या तो यस, एंड दिस इज इनफैक्ट, ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम में बने रहते हैं, दिस कंटेंट कैन गिव आंसर्स फॉर ऑल दिस। मेरे बच्चे को मैं 10 बार बताता हूं लेकिन वो सुन नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि वो आपको फिलहाल जिम्मेदार नहीं मान रहा, वो कॉन्ट्रेडिक्शन मुझ में जो कॉन्ट्रेडिक्शन चल रहे उसको वो भी देख रहा है, तो जितना जितना मेरा बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसका भी बिहेवियर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। भैया समय कितने बजे तक अभी है सेशन? 45। ओके, सो नाउ दिस इज द कंप्लीट कंटेंट ऑफ द रिस्पेक्ट, अदर इज सिमिलर टू मी, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हमारे मेंटर ने एक बात शेयर की थी कि ये कंटेंट स्टूडेंट के साथ में शेयर किया, तो कंटेंट तो बहुत अच्छा लगता है, कंटेंट इज गुड की बहुत, फिर
वो घर गया, फिर घर गया और उस फिर उस अपने पिताजी को बताने का प्रयास कर रहा था कि सर एक UHV इस तरह से सब्जेक्ट है और सर में हमारे साथ में ऐसी कुछ बातें रख रहे थे। तो इसे एक दो बातें उसने रखी तो उसके पिताजी ने उसकी तरफ देखा, बोले बेटा ये जो बाल है ये ऐसे व्हाइट नहीं हुए, ये सब बातें मुझे मालूम है तो मुझे कुछ मत बताओ। तो फिर वो नाराज हो गया बहुत बच्चा। फिर जब छुट्टी की बात आया तो सर फिर उसने वो क्लास टीचर उनको बताया कि सर मैंने पिताजी के साथ में तो ये बातों को शेयर करने का ट्राई किया लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं। तो फिर सर ने उसकी तरफ देखा, बोले बेटा हम बात किसकी सुनते हैं जो। तो फिर उसके कुछ ध्यान में नहीं आया। फिर उन्होंने बोला बात जो जिम्मेदारी के साथ में रहता है उसकी सुनते हैं या जिम्मेदारी के साथ नहीं रहता उसकी सुनते हैं। जैसे ही सर ने इतनी बात की तो एकदम चुप हो गया और उधर से वो चला गया। फिर नेक्स्ट सेशन जब आया दीपावली में, जब वो घर गया था उसके बाद में, जो अक्टूबर की छुट्टी उसके में घर गया था उसके बाद में फिर वो आया। फिर उसने ये बात टीचर के साथ शेयर की कि बोले सर अभी क्या हो गया कि पहले मेरा बिहेवियर बहुत इरिस्पॉन्सिबल रहता था, मैं खुद का बेड भी नहीं बनाता था और उठने के बाद बेड को निकाल के भी नहीं रखता था, और समझो मम्मी पापा ने मुझे काम भी बताया तो काम भी मैं करूंगा या न करूंगा ये मैं डिसाइड करता था। जैसे मैं मार्केट में गया और उन्होंने बताया कि बेटा मार्केट में तो ये चीज को लेके आओ, तो फिर मैं लाता भी था या तो नहीं भी लाता था। तो भाई जैसे आपने बात कही जिम्मेदारी की तो मेरे ध्यान में आ गया कि मैं घर में एकदम जिम्मेदारी के साथ में रहने लगा। मैं खुद का बेड बनाता था, उसको निकाल भी रखता था और फिर बाकी लोगों का बेड को भी मैं हेल्प करता था या निकालने में। फिर मैं जब जब भी बाहर जाता था अभी मैंने मम्मी या पापा को पूछना चालू कर दिया कि भाई मार्केट में जा रहा हूँ आपको कुछ लाना है क्या। उनके अगर कुछ छोटे मोटे काम है तो मैं पूछता था आज अभी तो मैं छुट्टी में आया कुछ काम करना है क्या, और मैं फिर हेल्प कर रहा था। तो ऐसे बोले 8-10 दिन गए और फिर एक दिन मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी ऐसा है कि UHV कंटेंट कॉलेज में और मुझे उसके बारे में आपके साथ में बात करनी है। तो फिर पिताजी बोला हाँ आ जाओ बेटो, तुम लास्ट टाइम भी कुछ बात कर रहे थे, अभी बताओ मुझे क्या क्या है। और मैंने उनको लगभग आधा एक घंटा ये सारी बातों को रखा। तो पिताजी ने बोला हाँ ये बात तो है बराबर है। और फिर उन्होंने बोला कि ये बातें तो मेरे मतलब पिताजी के ग्रैंडफादर अदर जनरेशन यही बातों को रखते थे, भाव तो एक ही था वर्ड्स अलग रहेंगे लेकिन अच्छा कंटेंट है, तुम इसको समझो और इसके साथ जीने का प्रयास। तो सामने वाला तभी इन बातों को, क्योंकि ये वैल्यू एजुकेशन है, वैल्यूज में हम जैसे जैसे इस वैल्यूज के साथ में रहने का प्रयास करते हैं। इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंटेंट शेयर किया जाता है तो टीचर्स का जो वर्कशॉप होता है उसमें भी यही बातें रखी जाती है कि ये जो कंटेंट है टीचर को पहले इसको कंटेंट को समझना है और कंटेंट के साथ में जीना है। अगर टीचर क्लासरूम में ये बात रख रहे हैं कि लिव विद द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिव विद द फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, संबंध पूर्वक जीना है, और क्लासरूम में जाके अगर स्टूडेंट देखेंगे कि सर दूसरे किसी फैकल्टी के साथ में भी सर का कुछ आर्गुमेंट चल रहा है तो फिर स्टूडेंट अपना कंक्लूजन निकाल लेता है कि ये तो सिर्फ एकेडमिक बातें हैं और नेक्स्ट लेक्चर से फिर वो सुनना भी बंद कर देगा, वो क्लासरूम में रहेगा। लेकिन अगर वही देखेगा कि सर तो कंटेंट या तो मैडम या तो सर कंटेंट को शेयर भी कर रहे हैं, उनका जीना भी उसके साथ में हो रहा है, तो फिर वो ये देख पाएगा कि इस कंटेंट के साथ में जिया भी जा सकता है और फिर उसमें एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाएगा और फिर वो उसके साथ में जीवी। इनफैक्ट दैट्स व्हाई वी से मेनी टाइम्स कि UHV का सबसे बड़ा फायदा तो जो टीचर उसको शेयर कर रहा है उसको होता है। स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स, अदर्स, दे विल कम लेटर। तो हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट ऑफ द रिस्पेक्ट इज आदर इज
similar to me, we are complementary to each other. तो एक मानव के रूप में तो हम सिमिलर है, हमारा पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल सेम है, जो भी डिफरेंस है सिर्फ वो योग्यता की है, कॉम्पिटेंस है, लेकिन जो भी ये योग्यता में जो कम ज्यादा है, ये जो कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस है, ओके, दैट वी यूज एज अ कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द राइट इवैल्यूएशन आई रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड फुलफिल इट। तो बहुत बार हम करते भी, जैसे अभी घर में हम किसी ट्रिप को जा रहे हैं और बहुत सारे बैग्स है, तो कुछ हेवी बैग्स है, कुछ लाइट बैग्स है, तो फिर जो घर में जो यंग है जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो हेवी बैग्स को उठाते हैं, जो एल्डर है तो हम उनके पास एक छोटी बैग देंगे, या तो उनको बहुत बार बोलेंगे नहीं नहीं आप सिर्फ आ जाओ, आप कुछ बैग को मत उठाओ। कोई एक 7-8 साल का बच्चा है, बहुत जिद कर रहा है, तो उसको एक आधा छोटा सा थैला देंगे या तो उसको वाटर बॉटल दे देंगे, ये लेके तुम चलो। तो हर एक का फिजिकल स्ट्रेंथ अलग अलग है, लेकिन उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, उसको कॉम्प्लीमेंटरिटी के लिए यूज कर रहे हैं। तो एक ही फैमिली में अगर दो ब्रदर्स है तो दोनों की भी योग्यता अलग अलग रहेगी, जिसकी जहां पे योग्यता ज्यादा है उसके लिए वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। दैट डिफरेंस इन द कॉम्पिटेंस वी डोंट यूज दैट फॉर डिफरेंशिएशन, वी यूज दैट फॉर कॉम्प्लीमेंट। ये बात है कि सभी का इंटेंशन सेम है, ये जो येलो पार्ट है ये कॉम्पिटेंस है, तो ये मेरा कॉम्पिटेंस है, आई एम फर्स्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, और एक कोई व्यक्ति, ये और एक कोई व्यक्ति है, तो ये मेरा कॉम्पिटेंस है, दूसरे का कॉम्पिटेंस मुझसे कम हो सकता है, किसी का कॉम्पिटेंस मुझसे ज्यादा हो सकता है, एट रैंडम किसी एक व्यक्ति का कॉम्पिटेंस मुझसे ज्यादा या कम होगा, लेकिन हम सभी का इंटेंशन सेम है, ये बेसिस पे मैं देख पाता हूँ कि हम सिमिलर है। ये जो कॉम्पिटेंस है, ये कॉम्पिटेंस को बढ़ाना है, मेरा भी कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करूंगा, दूसरे का कॉम्पिटेंस भी बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। ये केस में मैं जिम्मेदारी के साथ में रहूंगा, उसका कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए हेल्प करूंगा, दूसरे किसी का कॉम्पिटेंस अगर ज्यादा है तो उसकी हेल्प लेके आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माय कॉम्पिटेंस, and that is complementary. So with this feeling of the complementarity, specific characteristics at the level, physical facility, belief, body can be used to express that complementarity. A person with greater physical strength can do the heavier work. A person at the higher post can take the responsibility of the harmony at a larger order. अगर कोई एक व्यक्ति अगर हायर पोस्ट पे है तो फिर वो सभी की जिम्मेदारी ले सकते हैं, कि सभी में जो राइट अंडरस्टैंडिंग है और राइट फीलिंग डेवलप करने के लिए वो जिम्मेदारी ले सकते हैं, नॉट फॉर द डिफरेंशिएशन एंड विद द फीलिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंटरिटीनेस अदर फीलिंग्स विल नेचुरली। एक स्कूल होने दो, कॉलेज होने दो, या कोई कंपनी होने दो, उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए फिर हम कुछ पोस्ट बनाते हैं और वो पोस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए हर पोस्ट पे कोई एक व्यक्ति रहता है। पर्सन विथ हायर मैच्योरिटी, हायर क्वालिफिकेशंस, हायर कॉम्पिटेंस विल बिकम डायरेक्टर प्रिंसिपल, अनदर पर्सन विल बिकम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ही विल लुक आफ्टर द डिपार्टमेंट, सब लैब असिस्टेंट विल लुक आफ्टर द लैब, एक प्यून है ही विल लुक आफ्टर द रिमेनिंग कैसे वर्क्स, ओपनिंग द क्लासरूम्स एंड ऑल दिस, सम स्वीपर क्लीनर इज देयर, ही विल क्लीन द रूम्स, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग्स। एक कंपनी में एमडी से लेके एक सिक्योरिटी गार्ड तक, ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर सिमिलर, देयर पोस्ट आर डिफरेंट, but we'll not use that for differentiation, we use that for complementarity. Each one of them has some specific responsibilities and he is doing that one, as long as he is doing that one well, perfectly.
I will have this feeling of, you can say, that feeling of the respect is there because our purpose, program and potential is same. Do not use that for differentiation, because differentiation is not naturally acceptable on any basis. It may be on the basis of the gender, age, physical strength, beliefs. And with the feeling of the complementariness, other feelings will naturally flow, because now I am able to see that other wants to make me happy. A clarity mujh mein, feeling of the trust. Now with this respect, I am able to see that other is similar to me. Aur jo competence ka part hai, ye to pure life usme matlab improvement ho to lifetime chalte rahega. And uske liye fir hum ek dusre ka help to kar hi sakte hai. So that is respect. Now what is happening? If you look at this in differentiation, I evaluate on the basis of the body, physical strength, age, या तो physical facility, किसके पास भौतिक सुविधा है, कम ज्यादा है, उसको मैं देखता हूँ. Some belief, preconditioning, I compare competent, differentiate, and I try to show that I am different than the other. In respect, our purpose, program, potential is same, other is similar to me. We are competitors, and here we are complementary to each other. यहाँ पे मैं उस डिफरेंस को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, मैनिपुलेशन एक्सप्लॉइट द अदर. इफ अदर हैज मोर अंडरस्टैंडिंग, आई एम कमिटेड टू अंडरस्टैंड द अदर, उसकी हेल्प लेते हुए मैं मेरी योग्यता को भी बढ़ाने का प्रयास करता हूँ. और मुझ में अगर योग्यता ज्यादा है, आई हैव मोर अंडरस्टैंडिंग, तो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के साथ में रहता हूँ और दूसरे में जिम्मेदारी को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ. वंस द अदर इज अश्योर्ड इन द रिलेशनशिप, नॉट बिफोर दैट, एंड अदर विल बी अश्योर्ड इन द रिलेशनशिप इफ आई एम बिहेविंग रिस्पॉन्सिबल. सो दैट इज दिस जनरली वी गिव दिस असाइनमेंट that in the online and offline courses, if in your interaction with the others in the family or the institution over past 6 months, these any 5 incidences of your interaction, ki jitne bhi logon se aap last 6 mahine mein mile honge, once, twice, thrice, aur tab kya aapne right evaluation kiya tha ya over evaluation kiya tha ya under ya otherwise evaluation. And we have discussed about the differentiation today. Give an example each of the differentiation on the three bases and suggest a solution to each on the basis of right understanding. So this is about respect. Sum up: respect is the right evaluation with the feeling of trust on the intention. ट्रस्ट ऑन द इंटेंशन. और यहाँ पे भी जो योग्यता की कमी है, ट्रस्ट में भी दो पार्ट्स है. एक पार्ट तो ये है कि ट्रस्ट ऑन द इंटेंशन, और दूसरा है प्रोग्राम फॉर देयर लैक ऑफ द कॉम्पिटेंस, कि दूसरा मुझे सुखी ही करना चाहता है, ये क्लैरिटी मुझ में है, लेकिन उसमें जो योग्यता की कमी है उसके लिए फिर मेरा प्रोग्राम है. अभी सभी के इंटेंशन के ऊपर ट्रस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेन से जा रहा हूं और मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं मेरा बैग छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि ट्रेन में सभी के लिए मतलब मुझे इंटेंशन की क्लैरिटी है. उनमें से किसी का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, मैं वॉशरूम चला गया और बैग उठा के और चला जा सकता. सो नाउ आई विल यूज अ चेन एंड पुट लॉक फॉर माय बैग. So, जब मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे ये क्लैरिटी है कि सभी का इंटेंशन तो यही है मुझे सुखी करना, आई बिकम कंफर्टेबल. लेकिन उनमें किसी का कॉम्पिटेंस कम हो सकता है, उसके लिए फिर मेरा एक प्रोग्राम रेडी है. हमारा मीटर मतलब
उन्होंने ये शेयर किया था कि एक दिन उनकी वाइफ मतलब दीदी किसी गांव जा रही थी और रात मतलब वहां पहुंचते पहुंचते उनको 11 बज गए रात में, और फिर उनको मतलब जो घर था वो थोड़ा सिटी से बाहर था, तो जैसे ही वो बस स्टैंड से उतरी बहुत सारे ऑटो वाले वहां पे खड़े थे, रात 11 का समय ओके। तो फिर उन्होंने बोला, फिर दीदी ने क्या किया, वहां से ऑटो वाले को पूछा कि भैया यहाँ पे जाना है तो कितना होगा, उसने कुछ अमाउंट बताई, फिर वो निगोशिएशन करके फाइनल किया। जैसे उन्होंने फाइनल किया फिर उन्होंने वो ऑटो का नंबर देखा और मतलब हमारे जो मेंटर है उनको फोन किया कि देखिए अभी मैं यहाँ पे उतरी हूँ, मैंने ऑटो फाइनल किया है, ये ऑटो का ये नंबर है, और ऑटो वाले को भी पूछा आपका नाम क्या है भैया, तो उन्होंने बताया, तो बोले इन भैया के ऑटो में बैठ रहे बहुत ही अच्छे भैया है, और बोले फिर वो घर जाने के लिए 5-10 मिनट लगे, तो पूरे 10 मिनट के लिए वो फोन के ऊपर बातें कर रही थी मेंटर मतलब हमारे मेंटर के साथ में। तो फिर पहुंच गई, फिर उन्होंने बताया अभी तो मैं घर पहुंच गई हूँ, अभी मैं फोन को बंद कर दिया। तो ये फिर लैक ऑफ मतलब जो योग्यता है उसके लिए मेरा प्रोग्राम, अदरवाइज व्हाट हैपेंस, आई विल गेट डाउन एट द रेलवे, आई विल गेट डाउन एट बस स्टैंड, फिर मैं देखूंगी यहाँ पे 10 ऑटो वाले है, अभी सिंगल लेडी हूँ, कुछ भी हो सकता है, ये सारे ऑटो वाले तो बदमाश है, क्या आज का जमाना है, क्या करेंगे, कंफ्यूजन, फिर बैठू ना बैठू या फिर स्टैंड के ऊपर ही पूरी रात निकालू, ये सारा कंफ्यूजन इरिटेशन। फिर मैंने दोपहर सुबह का बस क्यों नहीं पकड़ा, बस को भी इसी ऐसे ही लेट होना था क्या, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन मुझे ट्रस्ट ऑन इंटेंशन है कि ये सारे जो ऑटो वाले हैं या तो सारे पर्सन से ये तो मुझे सुखी करना चाहते हैं, आई बिकम कंफर्टेबल, और हो सकता है कुछ कॉम्पिटेंस की कमी हो सकती है, उसके लिए फिर मेरे पास प्रोग्राम है, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अगर मैंने 4 दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम बनाया है कि अभी जाना है किसी ट्रिप को और सबको बताया कि संडे मॉर्निंग 8 बजे आप आ जाओ, चारों में से 3 तो हम पहुंच गए, चौथा आया ही नहीं है, और फिर वो आता है 9-9:30 बजे, फिर सब उसके ऊपर चिल्लाते हैं, ये होते हैं, पूरा प्रोग्राम फिर आगे पीछे हो जाता है और पूरे दिन वही चलता है। लेकिन अगर हम इस बात को देख पाए कि ये जो चौथा लेट आया था ये संडे को, या तो ये उठता ही सुबह 8 बजे, अगर वो 8 बजे उठता ही है तो 8 बजे वो स्टेशन को पहुंच पाएगा क्या, नहीं। तो चाहता तो वो सुखी ही करना चाहता है, सिमिलर टू मी, लेकिन फिर व्हाट विल डू कि हम बात तीनों लोगों की जिम्मेदारी लेके हमको मालूम है 6 बजे उसको एक फोन करेगा, देखो 8 बजे निकलना है तैयार हो जाओ, 7 बजे दूसरा फोन करेगा तुम तैयार हुए कि नहीं, उठे कि नहीं, 8 बजे वहां पे आना है तुमको, और तीसरा भी कर सकता है 7:30 बजे। तो अभी ये होगा उसके लिए प्रोग्राम कि ये लेट ही आता है कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए, अब तो फिर अगर वो देखेगा कि 3 लोग मुझे फोन कर रहे हैं तो अभी मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वहां पे टाइम पे पहुंच जाऊं। So trust on the intention and program for the competence, वो trust की बात है। Respect में हम ये देख पा रहे हैं कि every other human being is similar to. Otherwise what happens? We are differentiating and somewhere then we very much generalize that. एक वर्कशॉप था वहाँ पे मतलब जनरली ना ड्यूरिंग द डे अप टू 4:30 वी हैव अबाउट दिस सेशंस, और शाम को फिर ट्यूटोरियल डिस्कशन सेशन रहता है, क्योंकि बहुत बार नॉर्मल सेशन में पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो हो सकता है मतलब कभी 60-70 अप टू 100 पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं, तो हम उनको क्लासरूम में डिवाइड करते हैं, फिर वहाँ पे छोटे ग्रुप में बहुत सारी बातें होती भी है और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपने शेयरिंग को रखते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो वहाँ पे हर एक पार्टिसिपेंट अपना नाम बता के पूरे दिन में जो भी चर्चा हुई जो भी बातें समझ में आई उसको रखते हैं। तो फिर उसमें जैसे शुरू हुआ तो एक टीचर थी, हो सकता है वो बियॉन्ड 50 वगैरह थी, तो उन्होंने बोला, फिर रिस्पेक्ट का सेशन हुआ था उस दिन, तो उन्होंने बोला फिर हम जब हम हमारे टीचर्स के लिए हमें बहुत रिस्पेक्ट रहता है या है भी, हमारे टाइम में कितना अलग था, अभी देखिए आज का जो ये यंग जनरेशन है
ये तो रिस्पेक्ट देना ही नहीं चाहता है। इसी बातें करके फिर हो गया हो गया हो गया, फिर यहाँ से एंड में एक यंग टीचर बैठी थी इंजीनियरिंग कॉलेज, और उन्होंने शायद अभी एजुकेशन कंप्लीट किया था और टीचिंग को ज्वाइन किया था, लेकिन फिर वो अपने को स्टूडेंट या तो जस्ट टीचर समझती, उन्होंने जैसे ही उनका टर्न आया तो उन्होंने फिर वो माइक पकड़ लिया, फिर अपना नाम बताया, और पहली बात उन्होंने यही रखी, वो दीदी ने तो ये बात रखी कि आज का जनरेशन रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता, तो ऐसी बात नहीं है, हम भी रिस्पेक्ट देना ही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम सभी का रिस्पेक्ट करें, तो चाहना तो सबकी यही है। अभी मतलब ये बहुत बड़ा assumptions है, और मतलब जो बिहेवियर में ये दिख रहा है कि यंग जनरेशन में वैल्यूज की कमी है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले ज्वाइंट फैमिली थी और ये वैल्यू एजुकेशन जो है वो बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स घर में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली रहती थी, बच्चों को ये बात जाती थी। अभी तो फैमिलीज ब्रेक हो रही है, एनीवन मदर सेल्फ हैव स्टार्टेड वर्किंग, एटलीस्ट तब तक मेरे जनरेशन तक तो, या तो दिस मदर वाज एटलीस्ट अवेलेबल टू द चाइल्ड 24/7 एंड नाउ मदर इज आल्सो नॉट अवेलेबल, जो बात होती है वो तो शाम को एक दो घंटा ही, स्कूल में उसको जो मिल पाए थे स्कूल में क्या है, दैट इज नॉट वैल्यूड मेनी टाइम, दैट इज इन द फॉर्म सम मोरल एजुकेशन, एक स्टोरी बताती जाती है और स्टोरी के बेसिस पे ये कंक्लूजन है, ये बच्चा उस बात को समझ भी लेता है ठीक है ये, बट सिंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द राइट अंडरस्टैंडिंग, उसके बिहेवियर में आएगा नहीं आएगा, और कुछ देर के लिए हो सकता है बाद में वो नहीं भी हो सकता है। बस पार्ट तो यही है, और जो बच्चे तक ये बात पहुंची नहीं है तो क्या उसके बिहेवियर में आ सकती है क्या? ऑफकोर्स वैल्यूज कैन बी कॉट, हो सकता है कि घर में दो ब्रदर्स रहेंगे, दोनों का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, तो ट्विन्स में भी अलग हो सकता है, तो ये पार्ट तो है, बट दे कैन आल्सो बी टॉट, वैल्यूज कैन बी कॉट एज वेल एज टॉट, एंड दिस यूएचवी प्रोग्राम इज टू शेयर दिस, टू शेयर द कंटेंट विद द चिल्ड्रन। हम इस बात को अभी नहीं रखेंगे कि स्टूडेंट्स are not like this, what we can say is that we are not been able to share this with the students, let us start sharing this with the students so that they understand it, we also understand it, and we help each other, kyunki hum sabhi dekhte hain ki 20 saal pehle jo situation tha aaj ka jo situation hai, lot of difference is there, mobile is also there, it is good and bad also, दोनों की तरफ से वो है, और उन पर जो inputs पहुंच रहे हैं बहुत सारे, not all of them are good, and we'll have to teach the child what is good for him and what is not good for him or her. Just telling him don't do this and don't do that, वो होगा नहीं। बहुत सारे वर्कशॉप में ये भी बात आती है कि बच्चा मोबाइल पूरा दिन पकड़ के बैठता है, तो उसको अगर बोला कि मोबाइल बाजू में रखे तो फिर वो तो फाइट भी करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर उसको मोबाइल दिया किसने? और अब ये वो अब जब देख रहा है कि घर में जो पापा मम्मी बड़ी दीदी बड़ा भाई अंकल दोस्त सारे पूरे दिन मोबाइल को पकड़े हुए हैं, जब वो ये देखेगा कि मम्मी पापा भी मोबाइल जब चाहिए तभी यूज कर रहे हैं, जब नहीं चाहिए तब नहीं यूज कर रहे हैं, और वो दीदी को भी बताते हैं और दीदी भी वही करती है, बच्चा अगर मोबाइल पकड़ के बैठा है तो रीजन ये कि वो उस मोबाइल में सुख को ढूंढ रहा है, क्योंकि सुखी होने का तो ये है कि वो आपसे बात करना चाहता है, और जब उसमें घर में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सुख की चाहना तो
कंटिन्यूस है, सुख की रिक्वायरमेंट तो निरंतर है, तो उस क्षण उसको जिसमें सुख लगा उसको देखेगा। तो अगर बच्चे से मोबाइल छुड़वाना है तो मुझे उसके साथ में बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, फीलिंग का शेयरिंग होगा, तो फिर उससे मोबाइल की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। या तो फिर जब हम कुछ बात रखेंगे तब उस बात को वो देख पाएगा, यस मम्मी कुछ तो भी बता रही है, पापा कुछ तो भी बता रहे हैं, और ये बात मेरे ही की है। सो दैट इज वंस ही इज अश्योर्ड इन द रिलेशनशिप। इफ ही इज नॉट अश्योर्ड इन द रिलेशनशिप तो फिर वो नहीं हो पाएगा। एंड डूज एंड डोंट के फॉर्म में तो बात उतनी पहुंचेगी, बहुत टेम्पररी रहेगी। इनफैक्ट इसीलिए बहुत बार घर में ना पिताजी रहते तो बच्चे का बिहेवियर अलग रहता है, और पिताजी घर में नहीं रहेंगे तो बच्चे का बिहेवियर अलग रहता है। इसकी बात ये तो, और अभी तो क्या है, बच्चा है, उसका शरीर छोटा है, वो भौतिक सुविधाओं के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस दिन उसकी पहली सैलरी आ जाएगी तो डिपेंडेंस भी खत्म हो जाएगा, फिर वो अपना खुद का रास्ता देख लेता है। बहुत बार पेरेंट्स को मालूम भी नहीं रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है। फिर ऑलमोस्ट हो गया है, ओके। एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद मी? यस, ओके। सो वी स्टॉप हियर एंड आफ्टर द ब्रेक वी कंटिन्यू विद दीदी। Now let us start with today's third session, and we are now exploring harmony in the society. In fact, that first previous harmony in the family, there are nine feelings in the relationship, starting with the trust, respect, affection, care, guidance, reverence, glory, gratitude, and love. We have explored first two feelings and remaining seven feelings, even though we are not sharing today. But definitely, all of you are welcome to attend any such UHU workshop, introductory workshop. I'll be sharing the link with Bhaiya and also with Deedee. In fact, these workshops, introductory workshops, are held very frequently. In fact, just last week, one such workshop was there at Mumbai. From 14th, one will be there at Pune in Maharashtra. In Karnataka also, last week, month of the January, at Bangalore, there were two such workshops. Then there are higher level workshops, UHV2. They are also frequently held online and as well as offline. So online is 5 days, offline is 3 days. Online is from 9 to almost 9:30 to 5:30. But if it breaks in between, but same content is shared in 5 days. Also, the video lectures of all these sessions are available, and most of them are taken by our mentors. UHV, this is introductory, UHV2, then UHV3, UHV4, all of them are available on YouTube. Sharings by the faculty members, I mean those who attended the workshop, and what changes they could see in themselves, and what proposals they could verify, that sharing they have done. So these are also available on YouTube. Then for all these sessions, presentations are available, PPTs are available, books are available. I will be also sharing that book with the Bhaiya, and Bhaiya can please put that in the group. So those of us who want to have more understanding of these, they can also go through that. That means, and whatever need, and if you want to attend any such workshop, any program for more clarity of this content, you are always welcome. This, I can say, all of us are volunteers. I am also a faculty member, and Shashikan Bhaiya is also a faculty member. In fact, more than 500 volunteers, teacher volunteers are there. And in addition to our college duties, family responsibilities, whatever free time we are getting, we are, you can say,
trying to explore this content and try to share this content and try to understand this content. So that is how this entire thing is, entire program is going on. And all this we can say convert all for all these workshops. We can make a request to AICT, given that a booklet with all the guidance process very simple. One Google form is there, you have to solely submit that Google form and some information about the institute. AICT will allocate a team of 3 faculty members, call them as resource person team. They will conduct the workshop and we don't accept any honorarium. Even we don't accept any gift also. Only for that team, college will make the provision for, you can say, traveling. They have to pay only traveling allowance and 3 days staying arrangements, stay and food arrangements. Only that much is sufficient. For our college participants, we are conducting this for our college participants. We can just make a provision for team because anyway, daily they bring their own lunch box. 3 days also they can bring it. And whenever the vacation is there at school or college, during the vacation or any, we can say, as per availability, we can arrange these workshops, our faculty members, even for our, you can say, your family members, friends, etc. That way also we can arrange this. Because you can say the program is to share this content with more and more number of students, faculty members and society. In Madhya Pradesh, what has helped is that ODI, they were having one ministry, Anand Ministry. And that, so there, you can say, from government, you can say level, so lot of support is there. All the teachers and officers from that department, they have undergone this course. More than 5,000 teachers have attended these courses. And working, the books are already there, and 9th and 10th standard students are now undergoing this. And we find that even their sharing are also quite similar, their questions are quite similar, and they are able to explore this, that I am not a body, I am coexistence of self and body. And all these proposals about trust, respect, they are able to explore. In fact, every human being has this capacity to understand these things. So now let us start with the next session, that is harmony in the society. And we are trying to explore this. So from the family order to the word family order, Akhanda Samaj. So this is the common side, and now we are trying to explore harmony in the society. In fact, what we want to explore is, what is my role, what is my value in the society. Now society. Family is a basic unit or building block of a human organization. We are living in a family, generally the people with whom we spend most of the time, maybe our spouse or parents or brother, sister, children. Okay, so that is a family. Some close, you can say, relatives will be there, even our friends will be staying with us. Similarly, even at the workplace, we spend 8 to 10 hours per day, so that also is a family, you can say. So family is a basic unit or building block of human organization. Society is a next larger order. We'll explore. Now all of us are staying in a society, and now we want to explore what is the role of a human being staying in the society, living in the society, that is a human goal. And will this human goal be common to all of us? Will it be same for all of us? Yes. So that common goal we want to explore. So goal of the human being staying in a society. Staying in a society, human goal, and the dimension or systems required to achieve that human goal, and scope of this system. This is what we want to explore.
Now what is desirable? Three possible scenario are there. Number one, families living together in relationship of mutual fulfillment with a common goal. That is one possibility. Second is people living together but not in relationship of mutual fulfillment, differing goals. That is the second scenario. Or people living separately in opposition, struggle, conflicting goals. So which one is desirable? First, second or third? Yes. Families living together in relationship of mutual fulfillment. This is desirable. Or people living together but not in relationship of mutual fulfillment. This is desirable. Or people living separately in opposition struggle. This is here there is a common goal, differing goals, conflicting goals. One, two or three. But which one is desirable? One. If we are living like this, families living together in the relationship of mutual fulfillment, it is a society. People living together but not in the relationship of mutual fulfillment, that is a crowd at some marketplace. And people living separately in opposition struggle, that is a battlefield, war and so on. Where do we want to go? First, but what is the situation today? First, second or third? Yes? Desirable is one. But second or third, right? Second or third. We'll explore harmony in the society. The base of harmony in the society is harmony in the family. अभी हम समाज की व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं. उसके लिए जो परिवार की व्यवस्था वो बेस है और परिवार की व्यवस्था के लिए मानव में जो व्यवस्था वो बेस है. Now let us check this. The harmony in the society, human goal. This is our common human goal. This is human goal. It is there for every human being. इसको check कर लेते हैं. First, right understanding and right feeling in every individual leading to the happiness and prosperity in every individual. क्या ये सही है? ये हम सभी का goal है? क्या हम ये चाहते हैं? That every human being should have right understanding and right feelings. Yes, no? Yes. Prosperity in every family. हर एक परिवार में हर एक परिवार समृद्ध हो. हर एक परिवार के पास wealth कम ज्यादा हो सकता है. But every family has this feeling of the prosperity. क्या हमारा goal है? Yes. Fearlessness, trust in the society. समाज में अभय हो. Trust. Fearlessness in the society. Trust in the society. And coexistence, mutual fulfillment. सह अस्तित्व प्रकृति के साथ में और अस्तित्व में. These are the human goal at the level of the human being, at the level of the family, at the level of the society, at the level of the nature. We are a part of the society, and for every human being, this is the goal. Some questions. क्या ये चारों की आवश्यकता है? या इनमें से किसी को कर भी कर सकते हैं? What about the first? ये चाहिए या इसको निकाल सकते हैं? Is it required? Yes. What about the second? हर परिवार में समृद्धि जरूरी है? Yes.
थर्ड फियरलेसनेस ट्रस्ट इन द सोसाइटी, क्या ये जरूरी है? यस नो? यस एंड कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व प्रकृति और ये पूरे अस्तित्व के साथ। इसे तो हमने देखा राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग हर एक मानव में ये होना चाहिए, हर एक परिवार में समृद्धि, हर परिवार समृद्ध होना चाहता है। सो यूनाइटेडली दे वर्क फॉर दैट कि जो जितनी भी आवश्यकता है भौतिक सुविधाओं की उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसकी पूर्ति अगर हम लोग कर पाए तो फिर हम समृद्ध महसूस कर पाए। तो जब मुझ में सही समझ है तो सही समझ के साथ जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको मैं पहचान सकता हूँ। I can identify my need of the physical facilities and that will be with the right understanding. और फिर सही हुनर के साथ with the right skills I can make it available or I will make it or I will produce it. तो मेरी आवश्यकताओं को मैं देख पाता हूँ और आवश्यकता से ज्यादा भौतिक सुविधाओं का उत्पादन मैं अगर कर सकता हूँ तो मुझमें जो भाव बनता है वो समृद्धि का भाव है। तो हर परिवार अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक से पहचानते हुए उनकी पूर्ति कर पाता है। हर परिवार सभी मिलती रहेंगे ऐसा यहाँ पे नहीं कार्य हम क्या बात कर रहे हैं कि हर परिवार अपनी जरूरतों को देख पाता है और उसकी पूर्ति कर पाता है तो हर परिवार में फिर समृद्धता का भाव है। ये भाव है समृद्धता, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस, ट्रस्ट इन द सोसाइटी। क्या इसकी जरूरत है? यस नो? रिक्वायर्ड और नॉट? यस, फियरलेसनेस इन द सोसाइटी इज रिक्वायर्ड और नॉट? रिक्वायर्ड, राइट। In fact, this incident happened with me some maybe 7-8 years back. My elder daughter, maybe she was some 17-18. एक दिन she had gone to her friend's home और उसने बोला था कि मैं 8:30 बजे तक आ जाऊंगी। तो फिर मैं घर में ही था, फिर मतलब कुछ ध्यान नहीं था, 8:30 हो गए, 9 बजे फिर मुझे ध्यान में आ गया कि ये तो नहीं आई है। फिर मैंने उसकी माँ को पूछा तो उसने बोला हाँ आ रही हो। तो फिर उसको फोन लगाया तो फोन नहीं लग रहा था। ठीक है, फिर और 9:30 बजे फिर मैंने उसके 2-3 फ्रेंड्स को फोन किया तो उनको भी मालूम नहीं था वो कहाँ पे जाने वाली, उसका फोन तो बंद ही था। फिर मैं मतलब वो परेशानी बढ़ रही थी, फिर 9:30 बजे, फिर 10 बजे, देन अगेन आई ट्राइड टू कॉल सम मोर फ्रेंड्स, मालूम नहीं था। फिर मेरी मिसेज भी परेशान हो गई, मैं भी, एंड लाइक दिस, एंड समवेयर मतलब काफी परेशानी। फिर 10:30 बज गए, फाइनली शी केम अराउंड 11 PM। और जब ये फिर 9 से 11 बजे तक का जो समय था, एक तो मतलब मैं परेशान भी था और बहुत मतलब एंग्री भी था, और मैंने यही सोचा था कि आने के बाद उसको आएगी फिर उसको मैं बहुत डांट दूंगा, आई मीन स्कोल्ड हर। बट एक्चुअली व्हेन शी केम और जैसे वो 11 बजे आई, बेल बजाया, फिर मिसेस ने फिर दरवाजा खोला और जैसे ही मैंने उसको देखा, सो आई डिडंट हैव इवन एनर्जी टू स्कोल्ड हर, जस्ट सीइंग हर एट द डोर देयर वाज अ लॉट ऑफ रिलीफ। सो आज अगर हम समाज की तरफ देखेंगे तो कहां कहां पे भी ये जो भय है वो इतना है, एंड व्हाट वी वांट फियरलेसनेस, ट्रस्ट इन द सोसाइटी। व्हाट अबाउट दिस फोर्थ वन, कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व प्रकृति के साथ में और इस पूरे अस्तित्व में। इफ यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ दिस, अगर इसको हम प्रकृति के साथ में अगर हम ठीक से नहीं रह पाए तो हम देख पा रहे कि क्या हो रहा है, अनसीजनल रेन्स, बारिश, राइज इन द टेम्परेचर, depletion of the ozone layer and so many such things.
ये कहां से हो रहा है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डू दिस कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल फुलफिलिंग रिलेशनशिप विद द नेचर नहीं हो रहा है. During corona period, all of us were having the masks. What is being said is that if we don't take care, if we don't look at all these problems, ho sakta hai next 100 or 150 years, this ozone layer will get so much depleted and these ultraviolet rays will be able to reach the ground. And every human being who wants to go out will have to use a shield, because these rays can cause the cancer. बहुत लंबा नहीं, 100-150 साल में ये हो सकता है, unless we take immediate steps to see that the imbalance in the nature doesn't increase and we make sincere efforts to restore it. So these are the four common goals. Are all four required, desirable, or we can leave something out? All four are required. If all four are achieved, anything else will be required. अगर ये चार अचीव हो गए तो और कुछ चाहिए क्या? हम बहुत कुछ बात रख सकते हैं, लेकिन either it will be here, 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 or here. And are we working for all four in the family, in the society? क्या इन चारों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं? आर यू मेकिंग एनी एफर्ट? वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम, और कहां से हम लोग शुरू करेंगे? फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, 1, 2, 3 और 4, कहां से शुरू करेंगे? एक से. सो वी स्टार्ट विथ 1. विथ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल, वी कैन वर्क फॉर द सेकंड गोल. With this, we can work for the third goal, and with first means with 1 and 2, we can work for the third, and with 1, 2, and 3, we can work for the fourth. But if you see the today's status, gross misunderstanding. Instead of right understanding and right feeling in every individual, many assumptions are there. For example, money is everything. स्ट्रॉन्ग अजम्पशन बना रहा है, मनी इज एवरीथिंग. स्टूडेंट्स को अगर पूछा कि फिर कितना पैसा कमाना चाहते हो, इट इज करोड़ और बिलियंस, उसका क्या करोगे? घर बांधूंगा, कार लूंगा, घूमने जाऊंगा, और ऑलमोस्ट लीज एंड्स देयर. एक बात रखी थी कि आप स्टूडेंट्स को 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी बिलियनेयर. सारे हैंड्स रेज हो जाएंगे. सेकंड क्वेश्चन हमको ये पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ वांट टू बी हैप्पी, ऑलमोस्ट सारे हैंड्स रेज हो जाएंगे. और तीसरा क्वेश्चन अगर हम ये पूछे, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप करोड़पति हो के, बिलियनेयर हो के सुखी हो सकते? अभी सारे हैंड्स नहीं रेज होते. सो मनी विल नॉट इंश्योर माय हैप्पीनेस, लेकिन अजम्पशन क्या बना है? मनी इज एवरीथिंग. इंस्टेड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, समृद्धि के बदले भी क्या हो रहा है? अक्यूमुलेशन बाय एनी मींस. जितना अक्यूमुलेट कर सकते हैं, जितना जमा कर सकते हैं, उतना कीजिए. इन फ्यू इंडिविजुअल्स, तो इसके साथ में क्या हो रहा है? Obsession for consumption, obsession for the profit, obsession for the sensual pleasure. भोग उन्माद, लाभ उन्माद, काम. ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो. इफ यू सी द मार्केट, इफ यू सी द एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द टीवी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एडवर्टाइजमेंट्स आपको क्या बताते हैं? ये नया मोबाइल आया है, और आपका आपके पास जो भी मोबाइल है कुछ भी काम का नहीं है, ये नया मोबाइल करो करो आप सुखी हो जाओगे.
मार्केट में ये नया कार आया है, ये बहुत बढ़िया है, इसमें ये सिस्टम से आपकी जो प्रेजेंट कार है उसको बेच दो और ये ले लो, या तो आप लेने का प्लान करो तो तुरंत ले लो। इंस्टेड ऑफ फियरलेसनेस इन द सोसाइटी, डोमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन फियर इन द सोसाइटी लीडिंग टू टेररिज्म एंड वॉर, एंड instead of the coexistence with the nature we are trying to have the mastery exploitation over the nature leading to the resource depletion and pollution. Resource depletion means jaise petroleum products 200 saal mein khatam ho jayenge aisa expect hai, many of the metals there will be ore in another 100-200 years, लेकिन उससे ज्यादा ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। इन कोल्हापुर कुछ विलेजेस में जो वेल है वहां का पानी कितने सालों से पूरा गांव पीने के लिए यूज करता था, लेकिन अभी पोल्यूशन इतना हुआ है सम इंडस्ट्री से जो केमिकल, नाउ दे कैन नॉट यूज वाटर ऑफ दैट वेल फॉर ड्रिंकिंग, अभी उनको पानी बाहर से लाना पड़ता। So this pollution, resource depletion and pollution, all of us know the status in Delhi during after Diwali. एक महीने के लिए सारे स्कूल्स को बंद रखना पड़ता है, और दिल्ली में अभी ये हालत है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हू इज स्टेइंग देयर, हर आदमी जैसे दिन में 7 सिगरेट्स को स्मोक कर रहा है। जब मैंने एक वर्कशॉप में बात रखी तो एक पार्टिसिपेंट ने बोला सर एक्चुअली ये 17 है, 7 नहीं 17, हर आदमी 17 सिगरेट्स को अगर डेली फूकेगा तो जितना उस बॉडी को इफेक्ट होगा उतना आज दिल्ली में हो रहा है। एवरेज लाइफ स्पैन इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस बाय 10 इयर्स, ये दिल्ली का था, लेकिन 4 महीने पहले मतलब ये न्यूज़ था कि बॉम्बे का कंडीशन उससे वर्स्ट है, पोल्यूशन इन मुंबई वाज मोर देन दैट ऑफ दिल्ली, एंड ऑलमोस्ट मेनी मेजर सिटीज आर गोइंग टू हैव दिस प्रॉब्लम। सो रिसोर्स डिप्लेशन, रिसोर्स डिप्लेशन एंड पोल्यूशन, सो दिस आर misunderstand. What is desirable? This. What is the present status? This. So now this is what is desirable. We have natural acceptance for this, but this is our present status. Now this, if these are the common human goals, how to realize this? This we can achieve, this we can realize through certain systems. 1, 2, 3, and 4. These 4 goals are there. Now here, this dark color shows that, for example, education samskar. Education is right understanding, understanding the reality as it is. Vyavastha ko samajhna. Ye right understanding ka part hai. संस्कार इज लिविंग पार्ट, कमिटमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ लिविंग। तो ये जो पहला गोल है, ये जो डार्क कलर मीन्स डायरेक्टली रियलाइज, और ये जो फेंट है मीन्स इनडायरेक्टली। तो एक एजुकेशन संस्कार सिस्टम, ये फाउंडेशनल सिस्टम है, क्योंकि जो भी बात हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं वो तो एजुकेशन सिस्टम से ही पहुंचाते हैं। सो ये बेसिक फाउंडेशनल सिस्टम है, तो through an education and samskar system we can realize the first goal, right understanding and right feelings in every individual. Then health and self regulation, in which there is one session on this. So health, self regulation, sanyam ka bhav, is sanyam ke bhav ke sath jo sharir hai uska swasth, uske liye mera ek program rahega,
उसी तरह से प्रोडक्शन एंड वर्क बाय वर्किंग विद द नेचर, हमारी जो सारी भौतिक सुविधाएं कहां से आती है, प्रकृति से आती है। सो वर्किंग विद द नेचर, प्रकृति के साथ में कार्य करते हुए मेरी जितनी भी भौतिक सुविधाओं की जरूरत है उसकी पूर्ति मैं कर सकता हूं। तो इसी के साथ में फिर गोल नंबर दो है समृद्धि का, वो फुलफिल होता है। उसी के साथ में इनडायरेक्टली ये भी फुलफिल होता है। जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन, जस्टिस मीन्स ये जो सारे भाव, नौ भाव की बात हमने की है, इन भाव को मैं समझता हूँ, इनको मैं खुद में एस्टैब्लिश करता हूँ और दूसरे के साथ में उनको शेयर करता हूँ। सो दैट इज जस्टिस। न्याय, प्रिजर्वेशन, प्रकृति का प्रिजर्वेशन, तो उसके साथ में ये जो फोर्थ गोल है उसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। एक्सचेंज एंड स्टोरेज, एक्सचेंज भौतिक सुविधाओं का एक्सचेंज, दैट पहले नॉट लॉन्ग मीन्स 50 साल पहले अभी तक गांव में क्या होता था, सारे कुछ लोग खेत में अनाज उगाएंगे, मेबी विलेज और बार बार विल भी देयर, उसका काम क्या होता था, हर घर जाके वहाँ पे जो जेंट्स हैं उनके हेयर कटिंग वगैरह करना, और जब क्रॉप आता था दिवाली के बाद तो हर घर से उसको कुछ अनाज मिलेगा और उसकी मतलब उसका जो खाने का इंतजाम हो जाएगा। सो दैट इज एक्सचेंज, वी कॉल दैट एज बार्टर सिस्टम। हाँ, आज तो हम लोग वी आर यूजिंग मनी, दैट इज ओके, बट एक्सचेंज, प्रॉपर एक्सचेंज एंड